नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब के इसरी स्पोर्ट्स। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद्य और टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लेकर के आपके साथ जुड़ चुके हैं, जहां आज खेलों का आज सातवां दिन है। और सबसे पहले शुरू करेंगे पहली खबर के साथ, जो कि गोल्फ से जुड़ी हुई है। अनिर्बन लहरी की मजबूत शुरुआत देखने को मिली है, दूसरा ओलंपिक खेल रहे हैं वो। भारत के अनिर्बन लहरी ने टोक्यो खेलों की गोल्फ स्पर्धा में मजबूत शुरुआत की है। पहले दौर में 4 अंडर 67 का उन्होंने स्कोर कर दिया है और एशियाई टूर के, आपको बता दें, पूर्व खिलाड़ी ये रह चुके हैं और अनिर्बन लहरी से पूर्व नंबर एक खिलाड़ी हैं। लहरी ने 6 बर्डी लगाए हैं और 2 बोगी भी किए हैं। संयुक्त 6ठे स्थान पर हैं और हालांकि अभी कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले दौर का मुकाबला पूरा भी नहीं कर सके हैं। तो एक अच्छी खबर आ रही है, जहां भारत के उदयन माने संयुक्त 30वें स्थान पर हैं, लेकिन पहले दौर के मुकाबले खत्म होने के बाद ही उनकी जो है पोजीशन अब बदलती नजर आएगी। तो अनिर्बन लहरी से खबर दे रहे हैं और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे चलते हैं जसमीत जी, जो कि स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं और जानते हैं इस खबर के बारे में। जसमीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आज अच्छा दिन है भारतीय ओलंपिक के लिए। लगातार हमारे जो प्लेयर है, एथलीट है, वो लगते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बीच सबसे बड़ी जो खबर गोल्फ से भी आ रही है, क्योंकि गोल्फ के लिए, अगर गोल्फ की बात करें तो वहां पर हमारा जो ओलंपिक इतिहास है इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह इस तरीके से लहरी ने यहाँ पर उम्मीदें जगाई हैं, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि हम इस गोल्फ के जो गेम है इसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनका जो मुकाबला था उसके दौरान वह T8 पर रहे हैं। अनिर्बन ने उन्होंने यहाँ पर 4 अंडर 67 का यहाँ पर उन्होंने आज कार्ड खेला और कहीं ना कहीं एक उम्मीदें जगाई हैं। वहीं अगर इनके स्कोर कार्ड की बात करें तो स्कोर कार्ड में देखिए काफी अच्छे रहे थे, हालांकि इनकी शुरुआत अच्छी नहीं थी। जो पहली टीम थी उसमें इन्होंने पहली टीम में 2 गेंद लगा दी थी, उसके बाद लगातार 3 पार किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, लगातार 3 बॉडी लगाई, फिर 1 पार खेला, उसके बाद 1 और बॉडी लगाई। कुल मिलाकर उन्होंने अपने जो पूरा जो फर्स्ट दिन का पहला राउंड था उसके दौरान 6 बॉडी लगाई और कहीं ना कहीं देखिए अंडर 467 का जो स्कोर था काफी अच्छा माना जाता है। अभी इसके स्पर्धा के लिए देखिए अभी 3 दिन पड़े, तो इस दौरान ज्यादा से ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन करके ज्यादा से ज्यादा बर्डी लगा के यहाँ पर ये हमने मैच जीत सकते हैं। तो एक बड़ी उम्मीद इनसे भी बन सकती है, क्योंकि देखिए पहले ही दिन अगर आप T8 पर रहते तो कहीं ना कहीं ये दिखा देता है कि आपकी शुरुआत काफी अच्छी रही है इसमें। वही यही नहीं, इनके साथ हमारे एक गोल्फर और है, उदय माने हैं, जो कि अंत की बिल्कुल अंत में उन्होंने अपना स्थान जो कि ओलंपिक में बनाया था वो भी इसी स्पर्धा में खेल रहे हैं। लेकिन अगर उनके स्कोर कार्ड की बात की जाए तो उनका प्रदर्शन इस समय काफी खराब जा रहा है उनकी, और अगर उनके प्रदर्शन पर अगर लगातार ध्यान दें तो उन्होंने आज मैच के दौरान 4 बोगी और 2 डबल बोगी खेल रही है, जिसके कारण उनका जो कार्ड है काफी खराब बना है, जिसके अभी तक जो जितने गोल्फर हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें उनका स्थान आखिरी पर बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लहरी यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं, पहले दिन उनका जो स्कोर है काफी अच्छा है, आगामी जो 3 दिन आने हैं अगर वो लगातार इसी लय के दौरान जब थोड़ा अच्छा खेलते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भारत को एक अच्छी उम्मीद होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, दीक्षा डागर का भी नाम सामने आ रहा है, देर से सही लेकिन ओलंपिक के लिए उनको बुलाया जा रहा है, उस पर आपसे जानना चाहेंगे। जी, दीक्षा डागर का देखिए पहले जब ओलंपिक के लिए लिस्ट बन रही थी, गोल्फरों की लिस्ट बन रही थी, तब उनका नाम था, लेकिन एन मौके से उनका नाम हटा दिया गया था। तब भारत की ओर से अकेली महिला जो थी अदिति अशोक की, इस महिला की जो गोल्फ की स्पर्धा है वो भारत की ओर से खेल रही थी, लेकिन अब जो खबरें स्पष्ट खबरें आ रही है दीक्षा डागर को भी यहाँ पर चुन लिया गया है, क्योंकि लगातार कई प्रदर्शनों में, कई जो इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन है उनमें इनका जो प्रदर्शन है काफी अच्छा रहा था। तो वैसे भी ये ओलंपिक की जो अंतिम जो सूची तैयार की थी उसमें इनका नाम रिजर्व खिलाड़ी में था, तो उन्होंने इस बार जगह बना ली है। अंतर्राष्ट्रीय जो गोल्फ महासंघ है उन्होंने भी इसके लिए कंफर्म कर दिया है कि दीक्षा डागर इस बार ओलंपिक में हिस्सा ले सकती हैं। आपको अगर दीक्षा डागर के बारे में बताया जाए तो देखिए इनकी जो हिस्ट्री है काफी अच्छी है, खासतौर पर आपको एक हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बात बताना चाहते हैं कि दीक्षा डागर जो कि बधिर हैं, उन्हें सुनने में दिक्कत आती है, इस कारण वह 2017 में वो पहली बार चर्चा में आई थी जब उन्होंने बधिर ओलंपिक में हिस्सा लिया था, वहां बढ़िया प्रदर्शन किया था, उसके बाद लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए इतना बड़ा उनके पास मुकाम आ गया कि वह ओलंपिक में आ चुकी है, तो यहाँ पर उनसे पूरी उम्मीदें होंगी कि एक बार फिर से वह सबको जगा देंगी। जी
बिल्कुल, आज का दिन काफी अच्छा रहा है अगर हम बात करें ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के लिए। एक के बाद एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि आगे अगले राउंड तक बढ़ रहे हैं। इस बीच हॉकी से भी जुड़ी हुई खबर है, जहां भारतीय हॉकी की अगर हम बात करें, पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी 3 मिनटों में 2 गोल करके रियो ओलंपिक की जो स्वर्ण पदक विजेता थी, यानी कि पिछली बार ओलंपिक्स में जिन्होंने स्वर्ण जीता अर्जेंटीना की टीम को, 3-1 से हरा दिया है। तो टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बनाई है। तो ऐसे में एक अच्छी खबर यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें यहाँ हॉकी से भी मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हॉकी से इस बार काफी उम्मीदें हैं कि इस बार वह ओलंपिक के दौरान में मेडल लाएंगे। तो जिस तरीके के भारतीय हॉकी अभी तक प्रदर्शन कर रही है, टॉप रैंकिंग वाली जो टीमें हैं उनको हरा रही है। आप जानते हैं जैसे कि अर्जेंटीना पिछले जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो उसके खिलाफ मुकाबला था। तो सभी लोगों की नजरें इन पर बनी हुई थी कि वह आज अर्जेंटीना के खिलाफ कैसा खेलेंगे, लेकिन उम्मीदों के अनुरूप देखिए भारतीय जो हॉकी खिलाड़ी है उन्होंने वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया। वो यहाँ पर 3-1 से यहाँ पर जीत हासिल करने में देखिए सफलता हासिल की। आपको बता दें कि पहले भारत के लिए जो पहला गोल था जो जलंधर के वरुण कुमार है उन्होंने 47वें मिनट में किया, इसके बाद विवेक सागर ने 58वें मिनट में गोल किया, उसके बाद जो 1 मिनट बाद ही हरमनप्रीत सिंह ने 59वें मिनट में गोल करके भारत को 3-1 से आगे बढ़ा दिया। लेकिन अगर मैच की बात की जाए तो देखिए मैच काफी ये टक्कर वाला था, क्योंकि एक समय जब माइकल कसेला ने जो 48वें मिनट में जब गोल किया था तो उन्होंने स्कोर बिल्कुल बराबर कर दिया था। तब भारत को लग रहा था कि भारत ये मैच ड्रॉ की ओर जा सकता है, लेकिन अंत के ओवरों में जिस तरीके से उन्होंने लगातार गोल लगाए उसके कारण भारतीय हॉकी यहाँ पर लीड देने में सफल रही। इसका एक जो बड़ा श्रेय है जो कहीं ना कहीं हमारे जो गोलकीपर है श्रीदेश उनको भी जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि मैच ये बिल्कुल बराबरी पर जा रहा था। ऐसे में जो अहम जो पेनल्टी उन्होंने रोकी है, पेनल्टी कॉर्नर जो विफल किए हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को यहाँ पर सफलता देकर गई है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि भारत का इस दौरे के दौरान इस ओलंपिक जो उनकी ओलंपिक की ये रेस है इसके दौरान जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेला गया था वहां पर उनका पेनल्टी के मामले, पेनल्टी कॉर्नर रोकने के मामले में उनका प्रदर्शन काफी खराब हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए श्रीदेश ने देखिए जबरदस्त वापसी की है, लगातार वो पेनल्टी के जो कॉर्नर या छूटते जा रहे थे, लेकिन इस बार उनकी अच्छी उन्होंने अपनी जो लय है या अनुभव है उनका यहाँ पर पूरा फायदा उठाया है, जिसके कारण भारतीय जो हॉकी है यहाँ पर लीड करने में सफल हो रही है। जी पिछले दोनों मुकाबलों में हॉकी टीम ने काफी अच्छा किया है, जीत हासिल की। आपसे जानना चाहूंगा जो ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में 7-1 से हार मिली थी उसका कितना असर पड़ सकता है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है उससे मेडल की उम्मीद की जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जब भी किसी बड़े इवेंट की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप उम्मीद यही करते हैं कि आप अपना बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन करें, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप एक ऐसी टीम के खिलाफ खेलते हैं जिसके खिलाफ आपका बर्फ नहीं चलता। तो कुछ ऐसा ही मुकाबला था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खेला गया था जिसमें हॉकी टीम को यहाँ पर 7-1 से यहाँ पर हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन वो जो हार थी कहीं ना कहीं भारतीय हॉकी को या भारतीय फैंस को बूस्ट करने वाली थी, क्योंकि उसके बाद आप देख सकते हैं लगातार 2 मैचों में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार अपना मैच जीता। उस दौरान उनका प्रदर्शन देखिए हर चीज जो उस मैच के दौरान हर वो कमजोरी या जिसके कारण भारतीय टीम हारती हुई नजर आ रही थी उसको दूर करते हुए लगातार दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी सभी कमियों को दूर कर दिया और यहाँ पर यह मैच जीता है। तो कम से कम भारतीय हॉकी का जिस तरीके का प्रदर्शन है इस कारण देखिए अब रैंकिंग में दूसरे 5 में से अभी 4 मुकाबले जीत चुके हैं, तो आगे इनका क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया तो इनसे सीधे सीधे मेडल की उम्मीद लगाई यहाँ पर जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन है इससे जो हॉकी कप्तान है हमारे मनप्रीत सिंह वह भी काफी खुश हैं। उन्होंने भी इस पर बात की है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारा जो मैच था जिसमें हमें करारी हार झेलनी पड़ी थी तो कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल थी जिसके बाद हमने इस पर काफी चर्चा की थी और हमने दूसरी टीम की कमजोरियों पर देखिए काफी काम किया और हम खुद भी काफी मोटिवेट हुए, क्योंकि हम जब यहाँ पर आए थे तो हम पहले ही सोच कर आए थे कि इस बार जो ओलंपिक का जो मेडल का सूखा है हॉकी में जो 1980 के बाद नहीं आया तो वहाँ पर हमने मेडल जीतना है, इसलिए पूरा एक विश्वास था, हम एक दूसरे पर विश्वास था, वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है हॉकी से कि अब एक कदम और आगे बढ़ गए। वहीं आपको बता दें बॉक्सिंग से भी घर है, जहाँ बॉक्सर सतीश कुमार ने पुरुषों के सुपर हैवी 91 किलोग्राम में जमैका के रिकॉर्ड ब्राउन को 4-1 से हरा दिया है। क्वार्टर फाइनल के लिए अब क्वालिफाई भी कर लिया है, काफी अच्छा मुकाबला हुआ था और अब पदक से सिर्फ 1 जीत दूर रह गए हैं। सतीश अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में अपने हल्के वजन का पूरा उपयोग करते नजर आए, जिसके पास सतीश के काउंटरों का कोई जवाब ही नहीं था और अब सतीश का सामना विश्व चैंपियन
बखौदी जलालोब से होगा। तो एक कदम दूर है जसमीत जी, यानी कि हर ओर से अब खबर इंतजार है कि कब पहला दूसरा मेडल जो है भारत को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, अगर वीरवार की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आज अच्छा प्रदर्शन है, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो गोल्फ हो, लगातार जो भारतीय खिलाड़ी हैं लगातार जीते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आज के जितने मुकाबले हैं, जो जो हमारे प्लेयर जीते हैं, अगर सीधे क्वार्टर फाइनल पहुंचे हैं वहां पर अगर उन्हें जीत मिलती है तो हमारे लिए इकट्ठे ही 3 से 4 मेडल यहां पर आने की संभावना बन जाएगी। वहीं आज के मुकाबले की बात करें तो बॉक्सिंग में आज जो एक बड़ा मुकाबला था, जो सुपर हैवी वेट यानी कि 91 किलो से ज्यादा जो किलोग्राम वर्ग में आज मुकाबला था, मुक्केबाज सतीश कुमार का आज यहाँ पर मैच था, जमैका के रिकार्डो ब्राउन के खिलाफ यहाँ पर मुकाबला था, जो कि रैंकिंग में जब मुक्केबाजी रैंकिंग में काफी अच्छा स्थान रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या स्पीच ने क्या लय दिखाई है। वैसे दोनों ये मुक्केबाज थे, दोनों अपना पहला ओलंपिक खेल रहे थे यहाँ पर, लेकिन जो लेकिन जो अनुभव है स्पीच कुमार के पास उसका उन्होंने पूरा यहाँ पर फायदा यहाँ पर उन्होंने उठाया। और सबसे खास बात थी आज के जो मैच के दौरान ब्राउंड का जो फुटवर्क था वो काफी खराब था, जिसका स्पीच ने यहाँ पर काफी फायदा उठाया। लेकिन खास बात यह है कि इस मैच के दौरान हमें बहुत सारी चीजें ये भी देखनी पड़ी कि क्योंकि मैच के दौरान आप देख सकते हैं कि सतीश को चेहरे पर चोट लगी है, क्योंकि ब्राउन जो थे लगातार अपनी कद काफी जो उनकी काफी लंबी है सतीश से उसका पूरा फायदा उठाकर ऊपरी पंच जड़ रहे थे, जिसके कारण सतीश के चेहरे पर कहीं ना कहीं 1-2 कट लग गए हैं। लेकिन इसके बावजूद कट लगने के बावजूद जख्म होने के बावजूद यहाँ पर सतीश ने एक बेहतरीन मुकाबला किया और यह मुकाबला जीत लिया। हालांकि उनके लिए अभी सफर जो आगे का सफर है इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका मुकाबला है जो वर्ल्ड नंबर 1 इस समय बल्लेबाज कर रहे हैं, मुक्केबाज कर रहे हैं उज्बेकिस्तान के बखौदिर जलालोब से होगा। ये मुकाबला काफी टफ होगा, देखिए क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, अगर इस मैच में वह जीत ले तो देखिए इनसे गोल्ड की भी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जलालोब की अगर बात करें बॉक्सिंग जगत में एक बड़ा नाम है, मेडल जीतने की इनकी पूरी उम्मीद है। अगर उनको हरा देते हैं तो यहाँ पर एक अपने आप पर टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर होगी कि बॉक्सिंग में एक और पदक आता हुआ हमें नजर आएगा। वहीं जलालोब की बात करें तो इस ओलंपिक सीजन के दौरान देखिए उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, उनका जो पहला मुकाबला था इससे पहले जो हुआ था वो अजरबैजान के मोहम्मद अब्दुल्ला येव के खिलाफ हुआ था, जिसमें उन्होंने देखिए नॉकआउट ही कर दिया, 5-0 से ये मुकाबला जीता उन्होंने, मोहम्मद अब्दुल्ला ये को देखिए बॉक्सिंग रिंग में टिकने नहीं दिया। तो एक मजबूत प्रतिद्वंदी है अभी सतीश कुमार के सामने, लेकिन जिस तरीके से आज सतीश ने प्रदर्शन किया है, अगर यही प्रदर्शन वह अगले मैच के दौरान दोहराने में सफल रहे तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक बड़ी जीत होगी हो जाएगी, और साथ ही साथ अगर वह सतीश सेमीफाइनल में पहुंच गए तो हमारे लिए एक मेडल पक्का हो जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बॉक्सिंग से अच्छी खबरें आ रही हैं। हमने पहले देखा कि महिला वर्ग में भी लवीना ने काफी अच्छा मुकाबला किया, अगले दौर में गई, और अब सतीश काफी अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ से अब उम्मीदें जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है पदक को लेकर के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सतीश ने प्रदर्शन किया है उस हिसाब से देखिए उम्मीदें तो हमारी बढ़ी गई है। जितनी बीते दिनों की बात की जाए तो वहां पर लवीना ने अपना मुकाबला जीतकर देखिए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी, तो उनसे भी एक बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो बॉक्सिंग में हमेशा से मैरी कॉम से रही है, मैरी कॉम उनके बारे में भी जानना चाहूंगा, उनका भी मैच शुरू होने वाला है, आप उनके बारे में भी बताइए। जी जी जी, उनका अभी मैच शुरू होने वाला है, उसके लिए अभी अपडेट्स हमारे पास आएंगे, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो मामले जो अपडेट हमारे पास चल रही है सतीश कुमार पर सभी का ध्यान है, क्योंकि सतीश कुमार ने जीतकर अभी सुर्खियां बटोरी हुई सोशल मीडिया के, आप सभी जगहों पर उनकी खूब तारीफ हुई है, क्योंकि जिस तरीके का उनका प्रदर्शन इस मैच के दौरान रहा है, सर पर चोट लगने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से वापसी करते हुए मैच जीता है और आगे बढ़े हैं, उसके कारण उनकी खूब तारीफ होती है। वैसे बॉक्सिंग की अगर बात की जाए तो लवलीना ने जिस तरीके से जगह बनाई, इसके अलावा मैरी कॉम ने जिस तरीके से जगह बनाई, तो उसके कारण हमें बॉक्सिंग से यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि वह इस बार जो मेडल जो ओलंपिक की जो हमारी जो पदक तालिका है उसमें बढ़ोतरी करेंगे, तो हमें उम्मीद भी चाहिए। बिल्कुल, बॉक्सर विजेंदर जो है वो भी लगातार ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम पर फोटोज लगाते हैं, कहीं ना कहीं उससे भी उत्साह बढ़ता होगा, पहले मैरी कॉम को लेकर के उन्होंने कई अच्छे पोस्ट किए और लवीना को लेकर के भी किए थे, तो इससे भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप विजेंद्र की बात की जाए तो देखिए वो भी ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं, वो ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो सीनियर बॉक्सर है अगर आपका उत्साह बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका देखिए उत्साह वैसे ही बढ़ जाता है। देखिए विजेंद्र की अगर बात की जाए, अगर महिलाओं की बात की जाए तो वहां पर मैरी कॉम एक बड़ा नाम है, लेकिन अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में देखिए विजेंद्र सिंह एक बड़ा नाम है भारतीय बॉक्सिंग इतिहास में, उन्होंने देखिए ओलंपिक में जिस तरीके से प्रदर्शन किया वो काफी देखिए अच्छा रहा था, कई लोगों के लिए वह
प्रेरणा का काम करते हैं, वो लगातार जब से ओलंपिक शुरू हुआ लगातार बॉक्सिंग या फेडरेशन के साथ खड़े हुए हैं। खासतौर पर जो खिलाड़ी हैं उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। जब लवलीना जीती हो, इसके अलावा मैरी कॉम जीती हो, इसके अलावा पूजा रानी जीती हो, तो सबके लिए वह लगातार ट्वीट करते हुए सबका उत्साह बढ़ा रहे थे। तो खिलाड़ियों पर देखिए अमूमन इसका पड़ता ही है, क्योंकि अगर आपके गेम खेलने वाला कोई धुरंधर आपकी तारीफ तो इन चीज का फायदा मनोवैज्ञानिक रूप में मिलता ही है। और खासतौर पर ऐसे जो बड़े इवेंट होते हैं जैसे ओलंपिक जैसे इवेंट होते हैं, अगर वहां पर आपको इतने बड़े जो बॉक्सर हैं वो आपका अगर उत्साह बढ़ाते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलता ही है। जी बिल्कुल, एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं। ओलंपिक्स में इस समय क्या पोजीशंस बनी हुई है वो हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। तो आपके सामने ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020, जसमीत जी चाइना जो है इस समय टॉप पर चल रहा है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और फिर जापान, यानी कि जो हम कल चर्चा कर ही रहे थे कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स और जापान काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए अगर ओलंपिक टैली की अगर बात की है तो यहाँ पर देखिए काफी अच्छा प्रदर्शन चाइना की लगातार आ रहा है। मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था, मैं कहा जब ओलंपिक शुरू होता है तो हमेशा से चाइना जापान या ऑस्ट्रेलिया जहाँ आरओसी यानी कि जो रशियन ओलंपिक कमेटी के जो बहुत जो खिलाड़ी होते हैं वह लगातार अच्छे पदक जीते हैं, लेकिन इनमें असल मुकाबला तभी शुरू होता है जब एथलेटिक्स के मुकाबले शुरू हो जाते हैं। देखिए ओलंपिक की अगर बात की जाए तो ओलंपिक की माँ जो खेल है वो हमेशा से एथलेटिक्स को ही माना जाता है। असली ओलंपिक उसे ही माना जाता है कि उसमें जो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं वही असली चैंपियन होते हैं। तो उसके अभी मुकाबले शुरू होने हैं तो उसमें यूनाइटेड स्टेट देखिए काफी मजबूत है, तो जैसे जैसे उनके मुकाबले शुरू होते जाएंगे मेडल टैली में देखिए एक जबरदस्त उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, भारत से भी उम्मीद है कि जल्द ही दूसरा पदक भी आएगा। हालांकि पहला पदक जो है हमने देखा कि सिल्वर मेडल आया मीराबाई चानू की तरफ से वेट लिफ्टिंग के अंदर, लेकिन बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे बॉक्सिंग की अगर बात कर लें या आम तीरंदाजी में बात कर लें, और वहां पर भी उम्मीदें जगती हुई नजर आ रही हैं। अगली खबर जो है तीरंदाजी से जुड़ी हुई है, जहां अतून ने तीसरे दौर में अपनी जगह बना ली है। भारत के स्टार खिलाड़ी हैं तीरंदाज अतून दास ने दूसरे देर के बेहद ही रोमांचक मुकाबले में दो बार के ओलंपिक चैंपियन जो रहे हैं दक्षिण कोरिया के ओ जिन हे को शूट ऑफ में हरा दिया है और टोक्यो ओलंपिक की पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा के तीसरे दौर में जगह बनाने में सफल रहे। और इसका कहीं ना कहीं श्रेय उनकी वाइफ का भी जाता है जो उनके साथ पूरी तरह से सपोर्ट करती हुई नजर आई। जसमीत जी जी एक बार इनके भी कह सकते हैं आत्मविश्वास के लिए क्या जबरदस्त इन्होंने वापसी किया। देखिए जब टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, जब आर्चरी के मुकाबले हुए तो नेक्स्ट इवेंट में ये खेल रहे थे अपनी दीपिका कुमारी के साथ खेल रहे थे, लेकिन पहले दिन में खेल के बाद जब उनका प्रदर्शन थोड़ा ठीक नहीं रह पाया तो उसके बाद अपने दासुस टीम से पीछे हट गए थे, उनकी जगह प्रवीण ने ली थी। प्रवीण और दीपिका ने साथ मुकाबला किया था लेकिन वह कहीं ना कहीं जीत नहीं पाए थे, लेकिन इसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अपने दास थोड़ा मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान है। लेकिन इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर देखिए अपने दास ने शानदार प्रदर्शन किया। आज जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिखा दिया कि अगर मन में एक भावना हो, आगे बढ़ने की लालसा हो, तो आपको हमेशा से सफलता यहाँ पर मिल ही जाती है। साउथ कोरिया के जिस तीरंदाज के खिलाफ आज का उनका मुकाबला था, देखिए वो दो बार के ओलंपिक चैंपियन हैं, दक्षिण कोरिया के ओ जिन हे के जिनके खिलाफ आज मुकाबला था। आज मुकाबले में देखिए कि क्या बढ़िया प्रदर्शन किया, 6-5 से उन्होंने जीत हासिल की है। तो मुकाबले की अगर बात की जाए, अगर अंक पॉइंट की बात की जाए तो वहां पर तो देखिए भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। पहला जो सेट था उसमें देखिए 25-26, उसके बाद 27-27, फिर तीसरे सेट में 27-27, फिर चौथे में 27-22 और जो पांचवां था सेट उसमें 28-28। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अपनों ने जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, खासतौर पर पिछले चार दिनों से जो एक माहौल नेगेटिव सा माहौल बन रहा था उसको देखिए दरकिनार करते हुए एक चैंपियन की तरह यहाँ पर अतुल दास ने वापसी किया। और ये वापसी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि उनको एक महक आ गई हो कि आज के दिन हम मेडल लेकर ही आएंगे, इस तरीके का उनका प्रदर्शन था। तो उनके साथ दीपिका कुमारी से भी उम्मीद होगी क्योंकि दीपिका का भी प्रदर्शन इस दौरान काफी अच्छा रहा है। जी बिल्कुल, मैच में पूरा समर्थन भी उनको मिला, हमने देखा शुरुआत में कहीं ना कहीं काफी पीछे चल रहे थे और जिस तरीके से सपोर्ट दीपिका कुमारी ने दिया, जो खुद एक आर्चर है, उनकी लाइफ पार्टनर है, तो उसका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कह सकते हैं काम कर गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनकी शादी अभी पिछले ही साल देखिए लॉकडाउन के दौरान हुई थी, तो कहीं ना कहीं देखिए लंबे समय से साथ हैं, एक दूसरे को जानते हैं कि एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। लगातार बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों में लगातार ये हिस्सा लेते आ रहे हैं, वही ये सबसे बड़ा आपको फायदा देता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको एक दूसरे की कमियां पता होती हैं, आप एक दूसरे को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ रहते हैं, जिसका कहीं ना कहीं बतौर खिलाड़ी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक
जहां पर फायदा मिलता है, जैसे जिस तरीके से अतनु दास की इस ओलंपिक के दौरान शुरुआत रही थी उस हिसाब से लग रहा था कि अतनु दास का प्रदर्शन यहां पर आगे अच्छा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वह लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि वह मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान हुए क्योंकि उसमें टीम से वह हट गए थे खराब प्रदर्शन के कारण, लेकिन क्या जबरदस्त वापसी की है। कहीं ना कहीं दीपिका कुमारी ने यहाँ पर देखिए उनकी वाइफ है यहाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने मोटिवेट किया अपने पति को और दोनों ने क्या जबरदस्त वापसी की। अतनु दास का मैच जो था आज काफी अच्छा था, अगर ओलंपिक चैंपियन के खिलाफ आपका मैच हो तो उसके दौरान आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है, अगर आप तभी कर पाते हैं जब आप में दम हो, आप में विश्वास हो, तो यहाँ पर विश्वास ही दिखाया अतनु दास ने और बढ़िया प्रदर्शन किया है। उम्मीद यही है कि आगे के जो मैच आने वाले उसके दौरान जो है अच्छा प्रदर्शन करे और भारत को मेडल दिलाए। बिल्कुल, पूरी उम्मीदें हैं आर्चरी से भी कि जल्द ही मेडल आएगा, लेकिन अब हम बात करेंगे बैडमिंटन की, एक ऐसे खेल की जहां पर एक ऐसी खिलाड़ी है भारत के पास जिससे हम पूरे जो देशवासी है उम्मीद लगाए बैठे कि ये जरूर पदक दिलाएगी। उन बात कर रहे हैं पीवी सिंधु की, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में, पीवी सिंधु ने एक तरफा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को सीधे सेटों में, सीधे गेम में हराकर अंतिम आठ में अपनी जगह बनाई है। छठी पदक प्राप्त सिंधु ने मुसाहिनो फारेस्टो स्पोर्ट्स प्लाजा में 41 मिनट तक चले इस मुकाबले में 21-15, 21-13 से जीत हासिल की और डेनमार्क की दुनिया की जो 12वें नंबर की खिलाड़ी है उसके खिलाफ सिंधु की 6 मैचों में ये 5वीं जीत है। तो लगातार जसमीत जी हम पीवी सिंधु को लेकर बात करते आए हैं, यहाँ पर जरूर उम्मीद लगाई जा सकती है कि पदक ये दिला सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पीवी सिंधु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए चैंपियन खिलाड़ी की तरह कह रही हूँ, उनके अब तक 3 मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन सबसे खास बात ये है कि कोई भी मुकाबला ऐसा नहीं है जो कि 50 मिनट से ज्यादा चला। इनका जो पहला मुकाबला था इन्हें 45 मिनट के आसपास जीत लिया था, जो कल जो इनका मुकाबला खेला गया था उसमें उन्होंने 34 मिनट में ही जीत हासिल की थी, लेकिन आज जो मुकाबला जो डेनमार्क की मिया के खिलाफ था उसमें उन्होंने मात्र 41 मिनट में जीत हासिल कर लिया। अगर 50 मिनट में ही आप अपना मुकाबला जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप अपनी जो प्रदर्शन है वो अपना कर रहे हैं। तो पीवी सिंधु ने भी आज जिस तरीके से खेल दिखाया तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर भी एक महक आती हुई नजर आ रही है कि हमारे पास एक मेडल आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है। वहीं शूटिंग से भी खबर है जहां मनु भाकर 5वें स्थान पर हैं, मनु भाकर 292 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर बनी हुई है, जबकि अगर हम बात करें राही सनबौद की तो उन्होंने 25 मीटर पिस्टल में क्वालिफिकेशन के लिए प्रिसीजन स्टेज में 287 के स्कोर के साथ 18वें स्थान पर हैं। मनु ने तीसरी श्रृंखला में 97-97 और शानदार 98 का स्कोर किया, जबकि शीर्ष 8 निशानेबाज फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे जो कि कल के रैपिड फायर चरण के बाद निर्धारित किया जाएगा। तो अगर मनु भाकर की बात करें तो शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन अब जो मुकाबले खेले जा रहे हैं उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निशानेबाजी से हमें काफी उम्मीदें थी क्योंकि जब हमारा दल ओलंपिक के लिए रवाना हुआ था यहाँ पर देखिए एक बड़ा दावा किया गया था कि अगर भारत को वेट लिफ्टिंग या जो रेसलिंग में लगातार पदक मिलते हैं इस बार अगर उम्मीदें होंगी तो ज्यादातर निशानेबाजों से होगी। वहां पर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ अभी, लेकिन जिस तरीके से सौरभ चौधरी देखिए पहले ही मैचों में जिस तरीके से वह हारे उसके बाद मनु भाकर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रह पाया, एक मैच ऐसा था जिसके दौरान उनकी जो पिस्टल थी वो खराब होगी, तो कहीं ना कहीं जो कमतर जो प्रदर्शन था यहाँ पर भारतीय निशानेबाजों की ओर से देखने को मिला। तो आज एक जो मुकाबला था जो महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन का जो मुकाबला था उसके दौरान देखिए मनु भाकर ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ पर पांचवें स्थान पर रही है, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जो उन पर लोग कर रहे थे उसमें वह कहीं ना कहीं वापसी करती हुई दिख रही है। वही राही सनोबत की बात करें तो उन्होंने आज जरूर हैरान किया है क्योंकि देखिए उनसे काफी उम्मीदें थी, अगर 25 मीटर पिस्टल की स्पर्धा की बात की जाए तो वहां पर राही का देखिए प्रदर्शन काफी अच्छा रहता था, जो पिछले जो कॉमनवेल्थ गेम्स है एशियन गेम्स है उन्होंने देखिए राही का यहाँ पर प्रदर्शन खासतौर पर इस स्पर्धा के दौरान काफी अच्छा रहता था, लेकिन इस स्पर्धा में वह देखिए 25वें स्थान पर रही है, तो कहीं ना कहीं एक जो हम पहले बात कर रहे थे शूटिंग में कहीं ना कहीं एक जो गड़बड़ बड़ी हो गई है कि अगर लगातार प्रदर्शन वो हमारे खिलाड़ी लगातार नहीं जीत रहे तो उनसे कारण कहीं ना कहीं जो मानसिक दबाव है वो आता यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच अच्छी बात है जो अच्छी चीज हमारे सामने है वो मनु भाकर के रूप में ही हमारे सामने आई, वो 5वें स्थान पर आगे जैसे मुकाबले होंगे तो उसके दौरान भारत के लिए एक मेडल की उम्मीद यहाँ पर दिला सकती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि राही सनबौद ने अपना सटीक क्वालिफिकेशन राउंड पूरा किया है 9.567 के औसत के लिए 96-97-94 सटीक राउंड के बाद अंतिम स्थिति का पता तब चलेगा जब सभी निशानेबाजों ने
अपने राउंड शूट पूरे कर लिए हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नौकायान की। यहाँ पर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह टोक्यो ओलंपिक की लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा में 11वें स्थान पर रहे, जो स्पर्धा में ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ अब तक का प्रदर्शन है। भारतीय जोड़ी ने 6:29.66 का समय निकाल करके फाइनल बी में 5वां स्थान हासिल किया और पदक का दौर हालांकि नहीं था, लेकिन भारतीय जोड़ी कुल 11वें स्थान पर रही। तो यहाँ पर भी पोजीशनिंग जो है काफी अच्छी बैठती हुई नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल, देखिए भारतीय नौकायन की अगर बात की है तो भारत की ओर से इस बार ओलंपिक में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह पर देखिए काफी भरोसा है, क्योंकि देखिए नौकायन की अगर बात की जाए तो ओलंपिक में भारत की ओर से ज्यादातर खिलाड़ी यहाँ पर जाते नहीं है, तो इस बार इनसे उम्मीदें थी, क्योंकि देखिए जो लगातार जो नौकायन की जो वर्ल्ड लेवल की जो कॉम्पिटिशन है उसमें अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, इस बार इनसे देखिए काफी उम्मीदें थी। उसके अनुरूप इस बड़ी ओलंपिक स्पर्धा के दौरान जिस तरीके से उन्होंने लाइट वेट डबल स्कल्स स्पर्धा में जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए 11वां स्थान बनाया, एक तरह का इतिहास बना दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर ओलंपिक में आपकी कभी पार्टिसिपेशन होनी नहीं है, आपकी पहली बार अगर पार्टिसिपेशन हुई है तो वहां पर आप अच्छा प्रदर्शन करते हो, 11वां स्थान हासिल करते हो, तो कहीं ना कहीं एक भारतीय नौकायन के भविष्य के लिए देखिए काफी अच्छी खबर होगी। इससे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि इस गेम के प्रति आकर्षित होंगे। अगर नौकायन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में ये एक कई धार्मिक रिचुअल्स, धार्मिक रीति रिवाजों से ये चीजें जुड़ी हुई हैं, तो वहां से हमें कई खिलाड़ी यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर ओलंपिक में ये हमारे अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह हमारे लिए ज्यादातर मेडल लेकर आए तो भारतीय खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा, जब भारतीय फैंस के लिए अच्छा होगा, लेकिन उम्मीद ये देखनी होगी कि इनका आगे का प्रदर्शन कैसा रहता है। जी बिल्कुल, हर ओर से आज का दिन कह सकते हैं भारत के लिए काफी अच्छा रहा ओलंपिक्स के लिए, और आगे भी कई सारे मुकाबले हैं। मैरी कॉम का भी मुकाबला है, उनसे भी उम्मीद की जा सकती है कि आज अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। जी जी, मैरी कॉम का देखिए मुकाबले की अगर बात की जाए तो मैरी कॉम का मुकाबला शुरू हो गया, अभी तक दूसरा राउंड चल रहा है, तो इसके दौरान देखिए भारतीय जो मैरी कॉम है जी, जो कि हावी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 3:36 पर उनका मुकाबला शुरू होना है, एक सेकंड जी, बिल्कुल उनका मुकाबला अभी होना है। जी हाँ, आज उनका मुकाबला जो कोलंबिया की उर्जित वैलेंसिया के खिलाफ उनका मुकाबला है, तो उसके मुकाबले की देखिए सबको प्रतीक्षा है, तो सभी अभी 3:36 पर अभी मुकाबला शुरू होना, तो उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं कि वह किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उम्मीदें यही है कि मैरी कॉम, क्योंकि इस बार के आप वर्ल्ड चैंपियन, वैसे भी वर्ल्ड बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप है उसमें लगातार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, तो इस बार उनसे भी यहाँ पर उम्मीद होगी कि वह यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेंगी और भारत के लिए मेडल की उम्मीद बनेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जसमीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक्स में अब तक जो हुआ है, आज का दिन हमने आपको बताया कि आज का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा है, चाहे हम बॉक्सिंग की बात कर लें या आर्चरी की बात कर लें, और हॉकी में भी अर्जेंटीना जैसी टीम जो कि 2016 रियो में गोल्ड जीत चुकी है उसको टीम इंडिया ने हराया, तो यहां पर जरूर बहुत उम्मीदें बनती हैं कि मेडल जल्दी आएगा, और पीवी सिंधु भी अगले राउंड में लिए क्वालिफाई हो गई है। और भी बहुत कुछ है जो हम आगे आपको बताएंगे फेसबुक लाइव के जरिए, साथ ही पंजाब के सी स्पोर्ट्स के पेज को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर हमारा अकाउंट है, और इसी तरह से तमाम खेल की जानकारियों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप हमें सवाल भी लिख करके भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, आप टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहते हैं या किसी अन्य खेल से कोई जानकारी चाहते हैं तो आप लिख करके भेज सकते हैं, हम उनके जवाब आपको यहां जरूर देंगे। फिलहाल फेसबुक लाइव में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।